हे गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया। गाइज, तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ गाइज, आप लोग प्रोफेशनल लेवल का कार्टून वीडियो कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, क्रोमा टूल्स के एप्लीकेशन के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि गाइज, आप लोगों को पता होगा कि क्रोमा टूल्स एप्लीकेशन के अंदर वीडियो सेव नहीं हो रहा है गैलरी में, और गाइज रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है गाइज। तो ये सारा कुछ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर बताने वाला गाइज। और आप लोग क्रोमा टूल्स एप्लीकेशन से जो छोटा छोटा क्लिप बनाते हैं गाइज, उसे कैसे आप लोगों को काइन मास्टर में ले जाकर एडिट करना है, और कैसे वॉइस एड करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा गाइज। आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसीलिए आप लोगों से मैं बता देता हूं गाइज, इस वीडियो को शुरू से एक बार लास्ट तक देख लीजिए गाइज, आप लोग क्रोमा टूल्स एप्लीकेशन का हर एक छोटा छोटा सेटिंग आप लोगों को पता चल जाएगा। तो गाइज, इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए। और जो भी इस वीडियो के अंदर मैं मटेरियल यूज करूंगा, जैसे कार्टून वीडियो बनाते समय जो भी मैं मटेरियल यूज करूंगा, जैसे बैकग्राउंड, तो सभी का डाउनलोडिंग लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आप लोग उसे एक ही क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और गाइज, आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेरे को टाइम लगा गाइज, और इस वीडियो के अंदर मैं एक एक सेटिंग आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे कार्टून वीडियो बनाया जाता है। पापा पापा, कब चलना है हम लोगों को मार्केट? हमको ढेर सारा मार्केट से रंग लेना है और पिचकारी लेना है, कब चलना है बताइए आप। चलो बेटा चलते हैं अभी मार्केट, वहाँ से जो खरीदना होगा वो खरीद लेना, चलो चलते हैं। पापा, हमको ये वाला पिचकारी चाहिए और ये वाला रंग भी चाहिए, मेरे को दिला दीजिए ना पापा। सुनिए भाई साहब, जो जो मोनू पिचकारी और रंग मांग रहा है उसको दे दीजिए। अच्छा ठीक है साहब, सारा सामान जो जो मोनू मांग रहा है मैं पैक कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से क्रोमा टूल्स एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं पहले से ओपन करके रखा हूँ गाइस, जिसका क्रोमा टूल्स एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली आप लोग इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, जब फर्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ से इस तरह का ऑप्शन आएगा गाइस। उसके बाद आप लोगों को लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के यहाँ से दो कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज, आप लोगों को यहाँ से कस्टम बैकग्राउंड लगा के कैसे कस्टम बैकग्राउंड लगाना, चलिए मैं बता देता हूँ गाइज। तो कस्टम बैकग्राउंड के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा, चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि यहाँ से कस्टम बैकग्राउंड का ऑप्शन या नहीं आ रहा है, जिससे कस्टम बैकग्राउंड लगा सके। तो गाइज, आप लोगों को यहाँ से एक ऐड देखने को मिलेगा, यहाँ से ऐड देखेंगे तभी आप लोगों का ऑप्शन आएगा और कस्टम बैकग्राउंड वहाँ से लगा सकते हैं। जब भी आप लोगों को कस्टम बैकग्राउंड लगाना होगा गाइज, एक ऐड देखने को मिलेगा, यानी कि एक ऐड देखेंगे तभी कस्टम बैकग्राउंड का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ से मैं एक ऐड देख लिया गाइज, यहाँ से देख सकते हैं इंपोर्ट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया गाइज। उसके बाद सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा तो आप लोगों का यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से क्लिक करके आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। तो कस्टम यहाँ से इंपोर्ट जो बैकग्राउंड लिखा है इस पर क्लिक कर देते हैं गाइज। उसके बाद आप लोग यहाँ से फाइल चूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों का यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से जो भी यहाँ से आप लोगों को बैकग्राउंड लेना है गाइज वो ले सकते हैं गाइज। इन बैकग्राउंड का सभी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सिंपली आप लोग एक क्लिक के करके सभी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जितना भी इस वीडियो के अंदर यूज़ करूँगा वो सारा डाउनलोडिंग लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, तो आप लोग भी यही वाला बैकग्राउंड फर्स्ट यहाँ पर ले लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, इसमें और करेक्टर ऐड कर लेते हैं गाइज। करेक्टर ऐड करने के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा गाइज। चलिए मैं यहाँ से मार्क करके आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ से आप लोग करेक्टर चूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। चलिए मैं ऐसे क्लिक करके दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम यहाँ से चार ही करेक्टर आप लोग ले सकते हैं गाइज। अगर दो से ज़्यादा करेक्टर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ से एक ऐड देखने को मिलेगा, जब ऐड देखेंगे तभी आप लोगों को ये करेक्टर ऐड का ऑप्शन आएगा। तो चलिए मैं यहाँ से प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ से देख सकते हैं जो कि मैं दो करेक्टर लिया हूँ, एक से यहाँ से छोटा लड़का ले लेता हूँ गाइज, यहाँ से एक छोटा लड़का ले लेता हूँ गाइज। आप भी देखिएगा गाइज, यहाँ से जैसे ही मैं छोटा लड़का सेलेक्ट किया यहाँ से ओके का ऑप्शन गायब हो गया। तो ओके का ऑप्शन फिर से लाने के लिए फिर से आप लोगों को यहाँ से एक ऐड देखने को मिलेगा, तो यहाँ से ऐड देखेंगे तभी आप लोगों को यहाँ से ओके का ऑप्शन आएगा। तो चलिए मैं यहाँ से एक ऐड देख लेता हूँ गाइज, और ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है गाइज, बस आप लोगों को ऐड देखेंगे ये सारा कुछ इनेबल हो जाता है। तो यहाँ से ओके का ऑप्शन आ गया गाइज, यहाँ से ओके कर लेते हैं, और यहाँ से मेरा करेक्टर तीन करेक्टर यहाँ से ऐड हो गया गाइज।
उसके बाद किसी तरह का इसमें छेड़छाड़ी हो जाता है गाइस, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर से जैसे रहेगा उस तरह हो जाएगा। उसके बाद अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना गाइस। मैं चलिए यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए इस छोटे लड़के को यानी कि जो बीच वाला लड़का है इसको छोटा करना है, उसके सर के ऊपर जो प्लस के आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आप लोगों के यहाँ साइज़ का जो ऑप्शन आता है गाइस, इसको एकदम जीरो कर देना है। तो चलिए अपने हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। मैं यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। और गाइस जो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि लड़के के जो पिताजी है उसका मुंडी उस साइड घुमाया, तो इसका मुंडी इस साइड घुमाने के लिए सिंपली आप लोगों को उसके सर के ऊपर जो प्लस का आइकन है क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन दिख रहा है कोने में गाइस, यहाँ पर इस बॉक्स में आप लोगों को टिक लगा देंगे तो इसका मुंडी उस साइड घूम जाएगा यानी कि इसके लड़के की तरफ घूम जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इस तरह हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इसे एडजस्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैं यहाँ से एडजस्ट कर लिया हूँ। उसके बाद गाइज आप लोगों को फर्स्ट यहाँ मेरे क्लिप में अपने हिसाब से अपनी स्टोरी के हिसाब से आप लोग इसे आप लोग टॉकिंग दे सकते हैं। तो मैं चलिए फर्स्ट यहाँ से जैसे कि मेरे स्टोरी में ये फर्स्ट अभी लड़का बोलेगा, तो चलिए इसको सर के ऊपर जो प्लस के आइकन है उस पर क्लिक करके और यहाँ से टॉकिंग टू सेलेक्ट कर लेते हैं गाइज। टॉकिंग वन भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से टॉकिंग टू सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइज। उसके बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो कि इस तरह ये बोलना स्टार्ट कर देगा। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें रिकॉर्डिंग का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से एक स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लेना है गाइज। उसका भी मैं इसी वीडियो के लिए नीचे आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को उसे ओपन कर लेना है गाइज। जैसे ही ओपन कर लेंगे उसके बाद इसका भी रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑन कर लेना है गाइज। आप लोग पहले जो आप लोग प्ले स्टोर से जो स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करेंगे उसके आप लोगों का उसका स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर देना है। उसके बाद इसमें जो रिकॉर्डिंग लिखा है गाइज उसको रिकॉर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से छोटा छोटा सारा आइकन हट जाएगा। उसके बाद आप लोगों के स्क्रीन रिकॉर्डर से एक अच्छा वाला इस तरह का क्लिप रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद गाइज इसको मैक्सिमम 30 से 40 सेकेंड का इस तरह आप लोग टॉकिंग करवाइए। उसके बाद पूरा हो जाने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से क्रोमा जो टून्स लिखा है गाइज इस पर एक बार टैप करेंगे तो आप लोगों का यहाँ से ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा गाइज। उसके बाद आप लोगों का जो अलग से स्क्रीन रिकॉर्डर चालू किया गाइज उसको भी बंद कर लीजिएगा। आप लोगों को बस छोटा छोटा क्लिप आप लोगों को इसे रिकॉर्ड करना है और अलग अलग जगह पे जा जाके रिकॉर्ड करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से क्रोमा टून्स एप्लीकेशन जो लिखा है यहाँ से क्रोमा टून्स लिखा है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा गाइज। उसके बाद आप लोग अपना स्क्रीन रिकॉर्डर बंद कर दीजिएगा। उसके बाद सिंपली इसके सर के ऊपर क्लिक करके जो प्लस के आइकन उस पर क्लिक करके IDLE लगा देना गाइज, ये फिर से चुप हो जाएगा। उसके बाद आप इसका पिताजी बोलेंगे गाइज, इसके पिताजी भी के सर के ऊपर प्लस के आइकन जो है गाइज उस पर क्लिक करके और इसका भी टॉकिंग टू सेलेक्ट कर लेना है, तो ये भी बोलना स्टार्ट कर देगा। फिर से गाइज आप लोग जो प्ले स्टोर से स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड किए थे उसको फिर से स्टार्ट कर लेना है गाइज। उसके बाद सिंपली आप लोगों को इसका रिकॉर्डिंग चालू कर देंगे तो ये छोटा छोटा पूरा आइकन हट जाएगा और आप लोगों के स्क्रीन रिकॉर्डर में काफ़ी अच्छा ये वाला क्लिप मतलब वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप लोगों का रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा गाइज और काफ़ी अच्छा क्लियरिटी में आप लोग वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके और काइन मास्टर में ले जाकर एडिट कर सकते हैं। वो भी सिर्फ वीडियो के अंदर मैं बताने वाला गाइज आप लोग काइन मास्टर में ले जाकर कैसे इसको एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों को 30 से 40 सेकंड का इस तरह आप लोगों को क्लिप बनाते जाना गाइज। मैं जिस तरह बना रहा हूँ तो इसी तरह आप लोग 30-30 40 सेकंड का क्लिप बनाते जाइए। उसके बाद आप लोगों को काइन मास्टर में एडिट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये हो गया मेरा। अब यहाँ से बढ़ते हैं गाइज दूसरे क्लिप की ओर, जैसे कि यहाँ का मेरा पूरा बन गया गाइज। अब ये जाएंगे मार्केट में, तो उसके लिए आप लोगों को एक यहाँ से ग्रीन बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ग्रीन बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के सिंपली आप लोगों को यहाँ से क्लिक करना होगा गाइज। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पे आप लोगों को ग्रीन BG नाम से एक आ जाएगा, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है गाइज। और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह इसे एडजस्ट कर लीजिएगा गाइज। चलिए इनके सर के ऊपर जो प्लस के आइकन है उस पर क्लिक करके और यहाँ से आप सीडिंग आइडल पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों का ये सब बढ़ जाएंगे, यानी कि जो सीट डाउन होता है गाइज वही वाला है। तो यहाँ से सीडिंग जो लिखा सीडिंग आइडल क्लिक करके आप लोग इसको बैठा सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग सबके सर के ऊपर सबका एक लगा दीजिएगा, इस तरह ये बैठ जाएंगे। तो फिर से आप लोगों को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ से सीटिंग जो आइडल लिखा है गाइज उस पर क्लिक करके इसको बैठा लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से इतना हो जाने के बाद सिंपली इनका फेस एक डायरेक्शन में कर देना होगा, तो इनके सर के ऊपर जो प्लस के आइकन उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से कोने में जो फ्लिप का ऑप्शन दिख रहा है गाइज यहाँ से बॉक्स भर देना है गाइज, इनका सर उस साइड घूम जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह सारा को कर लेना है गाइज यहाँ से। उसके बाद इनके साइज एडजस्ट कर लेना है और जिस तरह से आप लोग गाड़ी पे बैठा के ले जाना चाहते हैं उस तरह इनको यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं एक ही डायरेक्शन में कर लेता हूँ और इनको बिल्कुल बीच में कर लेता हूँ। उसके बाद इसको काइन मास्टर में कैसे मूव कराना है, ये काइन मास्टर में हम लोग मूव करा देंगे गाइज। यहाँ पर बस ऐसे ही बैठा के रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से इसका लड़के का साइज़ एकदम जीरो कर देते हैं और एक साइज़ यहाँ से ला देते हैं ताकि
हम लोगों को काइन मास्टर में एडिट करते में कोई परेशानी ना हो गाइज। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूँ गाइज, इस क्लिप को कैसे काइन मास्टर में एडिट करना है, कैसे उसमें वॉइस एड करना है, सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस तरह से आप लोग इस पोजीशन में बैठा लेना गाइज। उसके बाद आप लोगों को अपना अलग से जो स्क्रीन रिकॉर्डर है गाइज उसे फिर से स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद अलग से स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों का इसका रिकॉर्डिंग, यहाँ से जो रिकॉर्डिंग लिखा है गाइज, यहाँ से आप लोग इसका रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिएगा। तो अपने हिसाब से पहले इसे एडजस्ट कर लेना है अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों को काइन मास्टर में गाड़ी पे बैठाते समय कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए मेरा यहाँ से पूरा फाइनल हो गया। उसके बाद यहाँ से रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देते हैं और हम लोगों का पहले से अलग से एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है गाइस, तो उसमें ये क्लिप काफ़ी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसको भी 30 से 40 सेकेंड का रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो काइन मास्टर में एडिट करते समय। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इसको भी 30 से 40 सेकेंड का कर लेते हैं गाइस, आप लोग भी इसी तरह कर लीजिएगा। उसके बाद इतना हो जाने के बाद चलिए मैं तीसरे क्लिप की तरफ बढ़ता हूँ गाइस, तो यानी चौथा क्लिप की तरफ बढ़ता हूँ गाइस। यहाँ पर क्लिक करना होगा और एक दूसरा बैकग्राउंड लेना होगा। चलिए यहाँ से क्लिक कर देते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड एड करने के लिए आप लोगों को पता होगा गाइस, एक ऐड देखेंगे तभी आप लोगों का इंपोर्ट बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है गाइस। तो यहाँ से मैं ऐड देख लिया हूँ गाइस, इंपोर्ट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया। सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करके, और ये वाला बैकग्राउंड का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सभी आप लोग एक ही क्लिक में सभी बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस नॉन कॉपीराइट है, फ्री कॉपीराइट है गाइस। तो यहाँ से देख सकते हैं ये वाला आप लोगों को बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है गाइस, उसमें आप लोगों को एक करेक्टर और ऐड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से एक करेक्टर एक और ऐड करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर करेक्टर पे क्लिक करना होगा गाइज, और यहाँ से एक और करेक्टर ले लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा गाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि चौथा बॉक्स का भी खाली है। तो चौथे बॉक्स में आप लोगों को याद रखिएगा, जो दुकानदार रहेगा गाइज, कोई भी वीडियो बनाइएगा तो जो दुकानदार रहे तो उसको चौथे नंबर में ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो मैं चौथे नंबर में विलेज मैन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से शो ऐड पर क्लिक कर देता हूँ, ताकि ओके का ऑप्शन आ जाए और ये करेक्टर ऐड हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ से ऐड देख लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह का कट का ऑप्शन आएगा, कट कर दीजिएगा। यहाँ से आप लोगों का ओके का ऑप्शन आ जाता है कुछ देर में, उसके बाद ओके कर देंगे तो ये विलेज मैन ऐड हो गया। तो इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए इसका विलेज मैन का जो मुंडी है उस साइड घुमाया, तो इसके सर के ऊपर जो प्लस के आइकन उस पर क्लिक करके यहाँ से फ्लिप का ऑप्शन जो दिख रहा है जिसमें बॉक्स में आप लोग टिक कर देंगे तो विलेज मैन का मुंडी इस साइड घूम जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ताकि गाइज ये काफ़ी अच्छा लगे। तो चलिए मैं यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ये क्लिप में आप लोगों को फिर से यहाँ पर ये छोटा बच्चा बोलेगा, यानी कि ये छोटा लड़का बोलेगा कुछ। तो यहाँ पर चलिए यहाँ से अपने हिसाब से पहले एडजस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस छोटे लड़के को यहाँ से टॉकिंग वन सेलेक्ट कर देते हैं। टॉकिंग टू पहले सेलेक्ट किए थे गाइज, उसके बाद इसमें टॉकिंग वन सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, साइज भाई यहाँ से छोटा बड़ा आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद एडजस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर कर देते हैं, और जो लड़का है गाइज जिसके सर के ऊपर जो प्लस के आइकन है उस पर क्लिक करते हैं गाइज, उसके इसके अंदर आप लोगों को टॉकिंग वाला यहाँ से मोमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए सिंपली आप लोगों को मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ गाइस, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से टॉकिंग वन सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली फिर से आप लोगों को अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेना है, जो अलग से प्ले स्टोर से डाउनलोड किए थे गाइज, उसको ऑन करने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ से जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है गाइज यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। पहले उसका रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा गाइज, रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा उसमें। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो ये सारा छोटा छोटा आइकन हट जाएगा गाइज, और आप लोगों के स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर काफ़ी अच्छा क्लिप डाउन मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा, काफ़ी अच्छा वाला क्लिप रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं गाइज, और इसी तरह छोटा छोटा क्लिप आप लोगों को बनाना है और काइन मास्टर में ले जाकर एडिट करना है। काइन मास्टर में कैसे एडिट करना है, उसमें वॉइस कैसे एड करना, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम बताने वाला हूँ गाइज। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है गाइज, बट आप लोगों को एक एक सेटिंग मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो क्रोमा टून्स लिखा है गाइज, इस पर क्लिक करके 30-40 सेकंड का आप लोगों को क्लिप बनाना है हर एक क्लिप गाइज। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से क्रोमा जो टून्स लिखा है गाइज यहाँ पर एक बार टैप करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा इसका, बस क्रोमा टून्स एप्लीकेशन का रिकॉर्डिंग बंद होगा गाइज, और ये इसमें रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो आप लोगों को पता होगा, तो इसका रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जो अलग से रिकॉर्डिंग डाउनलोड किए थे उसका भी रिकॉर्डिंग बंद कर लेना है गाइज। उसके बाद आप लोगों को इस लड़के को आइडल लगा देना है, यानी कि फिर से बंद कर देना, उसके सर के ऊपर क्लिक करके IDLE लगा देना गाइज, ये चुप हो जाएगा। अब यहाँ से गाइज इसका पिताजी बोलेंगे, तो इसको चलिए इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं और इसको भी टॉकिंग वन सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि ये बोलना स्टार्ट कर दे। तो चलिए यहाँ से क्लिक कर देते हैं, और इसका मुंडी उस साइड घुमाने के लिए सिंपली सर के ऊपर क्लिक करेंगे गाइज, और फ्लिप के ऑप्शन जो क्लिक करेंगे तो इसका सर उधर घूम जाएगा। तो आप लोग इस तरह से घुमाने के बाद, इसके बाद आप लोगों को इसका भी टॉकिंग मोमेंट ऐड करना है, तो इसके सर के ऊपर क्लिक कर देते हैं गाइज, और इसका भी टॉकिंग मोमेंट यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली उसके सर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टॉकिंग
वन यहाँ देखने को मिलेगा गाइस, ये सेलेक्ट कर लेंगे तो ये बोलना स्टार्ट कर देगा और इस तरह का कोई छेड़छाड़ हो जाएगा तो गाइस यहाँ से क्लिक करके आप लोग इसे ठीक कर सकते हैं। तो फिर से आप लोगों को अपना स्क्रीन रिकॉर्डर जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किए थे उसको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट होना हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा गाइस। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके और इसको भी यहाँ से स्टार्ट कर देना है गाइस। उसके बाद यह छोटा छोटा क्लिप हट जाएगा गाइस। उसके बाद आप लोग जो स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड किए हैं गाइज और उससे जो स्टार्ट किए हैं गाइज उसमें ये बढ़िया वाला क्लिप उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और उसमें आप लोगों को इस तरह से 30 से 40 सेकंड तक रिकॉर्ड कर लेना है। तो मैं चलिए यहाँ से रिकॉर्ड कर लेता हूँ गाइज। यहाँ से रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली आप लोगों को क्रोमा टून्स पे लिखा है गाइज, वहाँ क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा रिकॉर्डिंग। फिर से चलिए विलेज मैन को यहाँ से मतलब इसका जो पिताजी है इनको आइडल पे लगा देते हैं, इनके सर के ऊपर क्लिक करके IDLE लगा देंगे तो ये चुप हो जाएगा। फिर अब यहाँ से विलेज मैन बोलेगा कुछ तो उसके सर के ऊपर क्लिक करके और टॉकिंग यहाँ से वन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं गाइज, यहाँ से बोलना ये स्टार्ट कर दिया। उसके बाद सिंपली फिर से आप लोगों को जो स्क्रीन रिकॉर्डर रहेगा गाइज आप लोगों को छोटा छोटा क्लिप उसे रिकॉर्ड करना है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के बाद सिंपली इसका भी रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे तो आप लोगों का स्क्रीन रिकॉर्डर में काफ़ी अच्छी तरीके से ये भी क्लिप रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा, 30-30-40 सेकेंड का आप लोगों को छोटा छोटा क्लिप रिकॉर्ड करना है। और अभी आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि काइन मास्टर में कैसे ले चल के उसमें वॉइस एड करना है और कैसे उसके एडिट करना है। तो इसको भी यहाँ से लगा देते हैं आइडल गाइज। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से तो चलिए गाइज जिस लड़की के हाथ में कुछ पर्स दे देते हैं, जैसे कि वहाँ से कुछ भी दे सकते हैं। चलिए यहाँ से क्लिक कर देता हूँ गाइज, यहाँ से आप लोगों को इसके हाथ में कुछ देने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ से फर्स्ट जो नॉन लिखा है यहाँ पर जाके पर्स लिखा होगा, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे तो इसके हाथ में देख सकते हैं यहाँ से पर्स आ गया गाइज। उसके बाद गाइज आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा गाइज, उसमें वहाँ बहुत ढेर सारा सामान रहता है जो आप लोग कुछ भी थमा सकते हैं। तो गाइज इनको अब यहाँ से रनिंग कराना है गाइज, रनिंग कराने के लिए इनके सर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से लेडिग वॉल्क लिखा होगा गाइज, यहाँ पर क्लिक कर देना होगा, सबके यही लगा देना है गाइज। यहाँ से दिखा देता हूँ गाइज, यहाँ से लेडिग वॉल्क लिखा होगा गाइज, वही लगा दीजिएगा, यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग ये इस तरह कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए इसको यहाँ से छेड़छाड़ हो जाएगा कुछ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंपली आप लोगों को इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये एक ही जगह ये तीनों के तीनों चल रहे हैं गाइज। इनको कैसे आगे तक ले जाना है तो सिंपली आप लोगों को यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करना होगा। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ से शो की फ्रेम ओपन जो लिखा गाइज यहाँ पर बॉक्स में टिक कर देंगे तो आप लोग सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा गाइज, और यहाँ से एक की आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं गाइज। उसके बाद की में आप लोगों को इस तरह चल रहे हैं तो गाइज यहाँ से एक की ले लेना है, तो यहाँ नीचे देख सकते हैं एक लिख दिया गाइज। उसके बाद थोड़ा सा आगे इन लोगों को बढ़ा लेना, थोड़ा थोड़ा आगे करके बढ़ाना और एक एक की लगाते चले जाना है। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ गाइज। तो यहाँ से अब यहाँ से प्लस पे क्लिक करके फिर दूसरा की यहाँ से ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दो हो गया गाइज, और थोड़ा सा और आगे करके और इनको भी थोड़ा सा आगे करके बराबर करना है गाइज। तो आप लोग इसी तरह कर लीजिएगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से तीसरा की ले लेते हैं गाइज, उसके बाद थोड़ा सा और आगे इसको अंदर कर देते हैं और इसको भी थोड़ा इस बच्चे को भी थोड़ा सा आगे करते हैं गाइज, और इस लड़की को भी थोड़ा सा आगे करते हैं और यहाँ से चौथा की ले लेते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह ले लीजिएगा, फिर से आप लोगों को यहाँ से और थोड़ा सा इसको बच्चे को पूरा अंदर कर देते हैं। चलिए गाइज यहाँ पर बाहर कर देते हैं और फिर यहाँ से लड़की को थोड़ा सा और आगे कर देते हैं और यहाँ से पाँचवा की ले लेते हैं। चलिए यहाँ से प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पाँच हो जाएगा। उसके बाद गाइज सिंपली और आगे ले जाना है और इसको पूरा अंदर कर देना है, यहाँ से छठवा की ले लेना है गाइज। उसके बाद आप लोगों को अपना स्क्रीन रिकॉर्डर फिर से ऑन कर लेना है गाइज, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे तो गाइज इस तरह का आप लोगों का एक क्लिप उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा आप लोगों के स्क्रीन रिकॉर्डर में। तो इस तरह से आप लोग इसे रनिंग करा सकते हैं। तो गाइज कुछ इस तरह से आप लोग क्रोमा टून एप्लीकेशन से इस तरह से छोटा छोटा क्लिप आप लोग बना के गाइज उसके बाद आप लोग काइन मास्टर में एडिट करके बड़ा कार्टून बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को काइन मास्टर में इसका अब एडिटिंग बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को चलिए यहाँ से काइन मास्टर ओपन कर लेता हूं गाइज, और ओरिजिनल काइन मास्टर का डाउनलोडिंग लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद काइन मास्टर ओपन करने के बाद जो आप लोगों का 4, 5 या 6 क्लिप था गाइज वो सारा क्लिप यहाँ से ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से सारा का सारा क्लिप यहाँ से ऐड कर लिया हूँ, तो आप लोग भी इसी तरह से आप लोग अपना क्लिप ऐड कर लीजिएगा। चलिए इसमें एडिटिंग क्या करना है, चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को जो वीडियो यहाँ से ऐड किए हैं तो इनको अच्छी तरीके से आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। चलिए मैं ऐसे यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ गाइज, और आप लोग इसी तरह से एक एक करके एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से एडजस्ट करके एक मैं बता देता हूँ गाइज, आप लोग यहाँ से एक एक करके यहाँ से सारे वीडियो को यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को एडिटिंग कैसे करना है चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग 5-6 क्लिप जो था गाइज इस तरह से ले लेना है गाइज, और इसको अपने हिसाब से वीडियो को एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ गाइज। उसके बाद गाइज चलिए इस वीडियो को बता
देते हैं गाइस, जो छोटा छोटा क्लिप है इसको कैसे एडिट करना है और इसके अंदर कैसे वॉइस सेट करना है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ गाइस। सबसे पहले आप लोगों को इसे भी एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से एक बैकग्राउंड लेना होगा। चलिए यहाँ से बैकग्राउंड लेने के लिए यहाँ पर इसको क्लिक करके इस बैकग्राउंड को यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। इस बैकग्राउंड का भी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आप लोग उसे क्लिक करके एक ही जगह सारा ये इमेज मिल जाएगा। आप लोग सारा इमेज एक ही साथ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से अपने हिसाब से इस भी इमेज को आप लोगों को एडजस्ट कर लेना गाइज। उसके बाद जो यहाँ से आप लोग ये वाला बैकग्राउंड था, यानी कि आप लोग जो क्रोमाटून से ये वाला ग्रीन वाला वीडियो बनाए थे, तो इसको ले लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से ले लिया हूँ गाइज। इसको फ्रंट कर देते हैं और यहाँ से देख सकते हैं जो कि इस तरह से जो ग्रीन वीडियो मैं बनाया था गाइज, इसको क्रोमा की कर लेना था। यहाँ से क्रोमा की करके और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना गाइज। उसके बाद इसको बड़ा कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है। तो जैसे ही यहाँ से मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे कर रहा हूँ गाइस, आप लोग उसी तरह कर लीजिएगा। उसके बाद इस बैकग्राउंड के इस वीडियो के हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा इस वीडियो के बराबर। तो इसके यहाँ से देख सकते हैं जो कि मैं इस तरह कर लिया हूँ गाइस। उसके बाद आप लोगों को इनको छोटा बड़ा करके और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर से एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को एक और ग्रीन वीडियो लेना है जो कि मोटरसाइकिल वाला था। जो यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके और वो वीडियो आप लोगों को, ये भी डाउनलोडिंग लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। आप लोग एक ही बार में क्लिक करके सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करके ये रख लिया हूँ गाइस और यहाँ से इस बाइक को ले लेता हूँ और इसी बाइक पर ये बैठ के जाएंगे, यानी कि बाजार यानी कि मार्केट जाएंगे शॉप करने। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये बाइक है और इस बाइक का मुंडी उस साइड घुमाए, तो यहाँ से करके आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा रोटेट करके। तो यहाँ पर उसके बाद सिंपली यहाँ से क्रोमा की पे जाने के बाद इसको भी क्रोमा की कर लेते हैं गाइज, और यहाँ से इसको भी क्रोमा की कर देंगे गाइज, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से फिर से क्रोमा की कर लेता हूँ गाइज और इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि साइड में लाइन आ रहा है, तो गाइज इसको हल्का हल्का कट कर देते हैं साइड साइड से क्रोप पर जाके, और इधर से भी हल्का इधर से कट कर लेते हैं। उसके बाद कट करने के बाद सिंपली आप लोग इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि ये रियल लगे। तो मैं इसको चलिए यहाँ से वीडियो पर पहले जो मैं बैकग्राउंड लिया था उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, और आप लोग भी इसी तरह एडजस्ट कर लीजिएगा। जितना बड़ा ये वीडियो है गाइस, उसी के हिसाब से आप लोग ये बाइक ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से छोटा कर लेता हूँ, आप लोग भी इसे छोटा करके बिल्कुल आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद सिंपली आप लोगों को इसको इसी गाड़ी के ऊपर इन लोगों को बैठाना गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह कर लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले प्ले करके दिखा देता हूँ गाइस, जिस तरह एक ही जगह चल रहा है, तो इसको आगे तक कैसे मूव कराना है ये भी आप लोगों को काइंड मास्टर से बता देता हूँ। तो चलिए गाइस यहाँ से मैं एडजस्ट कर लिया, उसके बाद आप लोगों को इसे मूव कराना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको वीडियो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देना है गाइस, यहाँ से लेफ्ट टू राइट कर देना है गाइस। तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो पार्ट था ये कट के हट जाएगा। तो उसके बाद इसको अच्छी तरीके से इस बाइक को एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस बाइक के ऊपर आप लोगों को इन लोगों को बैठाना होगा गाइस। यहाँ से चलिए इन बाइक के ऊपर इन लोगों को मैं यहाँ से बैठा देता हूँ गाइस। उसके बाद आप लोगों को इसको मूव कैसे कराना है, यानी कि आगे चलते हुए कैसे जाएंगे, ये भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ गाइस। तो इस वीडियो को देखिए। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं जो कि अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा गाइज। जितने अच्छी तरीके से आप लोग एडजस्ट करेंगे उतना ही अच्छा ये वीडियो बनेगा। मैं जल्दबाजी में आप लोगों को बस समझा रहा हूँ गाइज, तो आप लोग काफ़ी अच्छा अच्छा वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को इस काइंड मास्टर में एडिट करना मैं सिखा रहा हूँ गाइज, एक बार मैं बता दूंगा गाइज, आप लोग बार बार अपने मन से आप लोग एडिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज यहाँ से आप लोगों को यहाँ से बाइक पे इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ से बाइक पे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आप लोगों को इनको रनिंग कराने के लिए सिंपली आप लोगों को एक की आता है, तो चलिए यहाँ से की सेलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ गाइज किस तरह से आप लोगों को की लगाना है। तो यहाँ पर जाना होगा गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि लेफ्ट साइड में आप लोगों को यहाँ की दिख रहा है गाइज, यहाँ पर की पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद सिंपली फिर से यहाँ से गलत हो गया, फिर से यहाँ की क्लिक कर देते हैं गाइज। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, फिर एक की लगाना, यानी कि जैसे ही इसको इन लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो एक की लग जाएगा, जहां रोक के और उसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो ये की ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो थोड़ा सा आगे इसे बढ़ा लेते हैं गाइज। उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद फिर से आप लोगों को इस वीडियो को जो है गाइज, इस वीडियो को थोड़ा सा आगे फिर से कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से फिर से इस वीडियो को आगे कर लेता हूँ और इनको फिर से इनको उठा के थोड़ा हल्का हल्का आगे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, तो फिर से यहाँ से तीसरा की लग गया गाइज। तो उसके बाद सिंपली फिर से यहाँ से जाता हूँ गाइज, एकदम लास्ट में एक की ले लेता हूँ और इनको पूरा अंदर के साइड कर देता हूँ, पूरा अंदर के साइड इस तरह से आप लोग कर लेना है। सेम इसी तरह से आप लोग जो बाइक है गाइज, जहाँ जहाँ आप लोग ये चारों की लगाए हैं उसी के आप लोगों को मार्क पे ये बाइक को भी उसी तरह से आप लोग ले जाना बिना देखे गाइज। इसी तरह से आप लोग जहाँ चारों की लगाए गाइज उसी पे क्लिक करके इस बाइक को भी आप लोगों को इसी तरह से आप लोगों को ले जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
जो कि मैं इस बाइक को एक एक करके यहाँ से आप लोगों को आगे की तरफ बढ़ा के दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ से हो गया है ये सारा कुछ और यहाँ से मैं मार्क कर लेता हूँ जहाँ जहाँ ये चारों की लगाए हूँ गाइज। उसके बाद बाइक को उसी हिसाब से मैं यहाँ से आगे तरफ बढ़ाते ले चल जाऊँगा गाइज। उसके बाद यहाँ से बाइक पर ले लेना गाइज, यहाँ बाइक पर ये की ले लेना गाइज। यहाँ पर की पर क्लिक करेंगे उसके बाद गाइज आप लोग जहाँ ऊपर वाले वीडियो में जहाँ जहाँ की लगाएं गाइज उसी तरह आप लोगों को मोटरसाइकिल को भी आगे तरफ स्क्रॉल करके और वहाँ पर भी की लगाते चले जाएगा एक लाइन से गाइज, तो एक साथ ये आगे तरफ मूव करते चले जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ से की लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक की लग गया गाइज, इस बाइक को थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ से मेरा दूसरा की उसी मार्क पर लग गया जो कि मैं उस वीडियो के अंदर दूसरे वाले में जैसे ही किया था। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग साथ साथ में इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एडजस्ट करते जाइएगा। उसके बाद फिर से यहाँ से ये एडजस्ट हो गया गाइज, यहाँ से अब ले लेते हैं यहाँ से तीसरा क्लिप। तो यहाँ से अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग एडजस्ट करेंगे उतना ही अच्छा वीडियो बनेगा। तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर लिया गाइज, उसके बाद सिंपली आगे की तरफ फिर से स्क्रॉल करते हैं बाइक को। बस मैं यहाँ से बाइक को आगे की तरफ यहाँ ले लेते हैं गाइज, और एक की यहाँ पर लगाया था, चलिए यहाँ से लगाया था गाइज। तो फिर से बाइक को आगे की तरफ स्क्रॉल करना है गाइज, और यहाँ से एक की, यहाँ से मेरा तीसरा की लग गया। फिर चौथे की में आप लोगों को इसको पूरा अंदर कर देना गाइज। तो चलिए यहाँ लास्ट में एक की ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ से लास्ट वाला की में यहाँ से, तो यहाँ से की अट गया। फिर से आप लोगों को यहाँ से की ले लेता हूँ लास्ट में, एकदम एक की ले लेता हूँ गाइज। यहाँ से की पे क्लिक करके और इस मोटरसाइकिल को एकदम अंदर की तरफ कर देना है, इसको स्क्रॉल करके एकदम अंदर की तरफ कर देना गाइज। तो आप लोग भी इसी तरह कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ गाइज, और आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसको अंदर की तरफ जैसे ही करेंगे तो यहाँ से चौथा की लास्ट में लग गया गाइज। उसके बाद ये हो जाने के बाद अंदर की तरफ कर देंगे, ओके कर देंगे। तो चलिए यहाँ से मैं प्ले करके दिखा देता हूँ गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस तरह से ये लोग चलते हुए जाएंगे मार्केट। यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, इतना हो जाने के बाद गाइज इसके अंदर आप लोगों को अब कैसे वॉइस ऐड करना है गाइज। तो चलिए मैं इसके अंदर वॉइस ऐड करने के लिए बता देता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को वॉइस ऐड करने के लिए सिंपली कहाँ पर क्या चीज़ करना है चलिए बता देता हूँ। तो आप लोग इस तरह इस वीडियो को देख लीजिएगा गाइज, इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। तो जो भी आप लोगों को दिक्कत लगे कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज वॉइस ऐड करने के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो माइक लिखा है यहाँ से माइक बनाएगा, जो यहाँ पर RAC लिखा है गाइज, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग पहले कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस तरह से आप लोग वॉइस ऐड कर लीजिएगा। हम लोगों को मार्केट, हमको ढेर सारा मार्केट से रंग लेना है और पिचकारी लेना है, कब चलना है बताइए आप। चलो बेटा चलते हैं अभी मार्केट, वहाँ से जो खरीदना होगा वो खरीद लेना, चलो चलते हैं। पापा हमको ये वाला पिचकारी चाहिए और ये वाला रंग भी चाहिए, मेरे को दिला दीजिए ना पापा। सुनिए भाई साहब, जो जो मोनू पिचकारी और रंग मांग रहा है उसको दे दीजिए। अच्छा ठीक है साहब, सारा सामान जो जो मोनू मांग रहा है मैं पैक कर देता हूँ। तो गाइज जिस तरह से आप लोग अपना वॉइस ऐड कर लीजिएगा, पहले आप लोगों को वॉइस ऐड करना होगा गाइज। उसके बाद वॉइस के ऊपर आप लोगों को वीडियो कट कर करके आप लोगों को रख देना होगा। चलिए यहाँ से मैं वॉइस ऐड कर लिया हूँ। अब पहले क्लिप में यहाँ से देख सकते हैं जो कि मोनू बोल रहा है, तो यहाँ से मोनू वाला जो यहाँ से पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हल्का इधर से कट कर देते हैं और इसको उस साइड उठा के रख देते हैं गाइज। उसके बाद दूसरे क्लिप में इसके पापा बोले हैं गाइज, इसके पापा वाला वीडियो यहाँ से ला देंगे गाइज, और इसमें से थोड़ा सा कट करके और उसी वॉइस के ऊपर आप लोगों को इस वीडियो को ऐड कर देना है गाइज, ताकि ये रियल लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ से अब ये इसके पापा बोले हैं, तो इसी इसके पापा के ऊपर जो ये वॉइस है गाइज उसके ऊपर यहाँ से वीडियो लाके मैं रख दिया हूँ गाइज। उसके बाद आप लोगों को फिर यहाँ से देख रहे हैं गाइज, अब इसके आगे मेरा तीसरा क्लिप जो था गाइज ये बाइक पे बैठ के जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। मार्केट, हमको ढेर सारा मार्केट से रंग लेना है और पिचकारी लेना है, कब चलना है बताइए आप। चलो बेटा चलते हैं अभी मार्केट, वहाँ से जो खरीदना होगा वो खरीद लेना, चलो चलते हैं। तो गाइज इसी तरह आप लोग एक एक वॉइस के ऊपर आप लोगों को वीडियो ऐड करते चले जाना है गाइज, जिस जो करेक्टर होगा गाइज, जिस करेक्टर को आप बोली देना चाहते हैं उसी करेक्टर का आप लोगों को उसी वॉइस के ऊपर लाके उस वीडियो को रख देना है गाइज। मेरा तीसरा क्लिप में अब ये मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएंगे गाइज। तो यहाँ से देख सकते हैं ये सारा यहाँ से क्लिप उठा के यहाँ पर लगा देते हैं गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी वीडियो के हिसाब से आप लोगों को पूरा एडजस्ट कर लेना है गाइज, सारा क्लिप यहाँ से उठा के ले आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ गाइज। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से देख सकते हैं जो कि यहाँ से बैकग्राउंड भी यहाँ पर ला देते हैं गाइज, और बैकग्राउंड भी इसके अंदर लगा देते हैं। और यहाँ से गाइज अभी मेरा तीन वॉइस और बचा है गाइज, जो कि इसके ऊपर भी वीडियो ऐड करना है। तो यहाँ इस वॉइस को इधर उठा के कर देते हैं गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इसके नीचे है, तो इसको भी उठा के इस साइड कर देते हैं कि ताकि इसके नीचे ना पड़े गाइज, क्योंकि इस बाइक के अंदर मैं कोई भी वॉइस ऐड नहीं किया हूँ गाइज, बस म्यूजिक ऐड किया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ से उठा के इस साइड कर लेता हूँ गाइज। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस तरह से आप प्ले करके यहाँ से देख सकते हैं जो कि इस तरह से ये आएंगे गाइज। उसके बाद ये मार्केट में जाके बोलेंगे गाइज, यहाँ से मार्केट में फर्स्ट क्लिप में जो मार्केट वाला जो क्लिप होगा गाइज, उसमें
फिर से मोनू बोलेगा गाइज। तो इस मोनिक ऊपर लाके क्लिक करके और फर्स्ट वाला जो मार्केट में जो रिकॉर्डिंग किया था गाइज वो वाला क्लिप इसमें कट करके लाके रख देंगे। तो चलिए यहाँ से फिर से वो वाला क्लिप यहाँ से कट करके लाके रख देते हैं गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस तरह से आप लोग वो वाला मार्केट वाला क्लिप यहाँ से लाके रख सकते हैं और यहीं पर लाके मेरे को रखना। तो चलिए यहाँ से मार्केट वाला यहाँ से क्लिप ले लेते हैं गाइज। यहाँ से मोनू बोल रहा है गाइज, तो यहाँ पर इसके ऊपर लाके रख देते हैं और यहाँ से ऑडियो को एडजस्ट करके उसके बाद इसी के ऊपर एक छोटा सा क्लिप काट के और मोनू वाला यहाँ से रख देते हैं इसी वॉइस के ऊपर जहाँ पर मोनू बोला है। तो यहाँ पर ले जाने के बाद उसके बाद यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा और हल्का फुल्का जो नॉइस आ रहा है ये लास्ट में उसको कट करके ही काट लीजिएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ से मोनू बोलना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से ये वाला क्लिप लेके उसके बाद उसी के वॉइस के ऊपर आप लोगों को ये वाला क्लिप कट करके लगा देना है। उसके बाद सिंपली फिर से अब यहाँ पर इसके पापा बोलेंगे तो इसके पापा वाला यहाँ से जो क्लिप है गाइज उसको उठा के इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये वाला क्लिप में यहाँ पर ये बोले हैं इसके पापा, तो इसको यहाँ से उठा लेते हैं गाइज और इसी वॉइस के ऊपर फिर से इसे ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग एक एक करके ऐड कर लीजिएगा। यहाँ से इसका पापा बोले हैं, फिर उसके बाद विलेज मैन बोलेगा तो विलेज मैन के वॉइस के ऊपर आप लोगों को विलेज मैन का जो है गाइज वो वाला वीडियो क्लिप ला के रख देना है। पहले आप लोगों को वॉइस ऐड करना है गाइज, फिर वॉइस के ऊपर आप लोगों को छोटा छोटा कट करके ये वाला वीडियो ऐड कर देंगे तो आप लोगों का वॉइस और वीडियो मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग काइन मास्टर से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से लास्ट जो मेरा क्लिप बचा है गाइज यहाँ से जो कि यहाँ से विलेज मैन अब यहाँ से बोलेगा तो विलेज मैन वाला यहाँ से पार्ट ले लेते हैं गाइज और यहाँ से विलेज मैन वाला यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ गाइज। तो चलिए विलेज मैन के वॉइस के ऊपर यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसको ले जाता हूँ गाइज और यहाँ से विलेज मैन के वॉइस के ऊपर इस क्लिक को रख देते हैं। तो इस आप लोगों को इसे वॉइस को एडजस्ट थोड़ा करके दिखा देता हूँ गाइज। आप लोग वॉइस को पहले एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर उसी वॉइस के ऊपर आप लोगों को उस क्लिप को ले कर रखना होगा जिसको आप लोग जिस करेक्टर को आप लोग बुलवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से चलिए यहाँ से थोड़ा सा हल्का कट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ और इस वीडियो को इस विलेज मैन के वॉइस के ऊपर यहाँ से लाके एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ये क्लिप छोटा सा जो वीडियो वाला क्लिप है गाइस यहाँ से प्ले करके पहले देख लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ से प्ले करके सुन लेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ से ले जाके यहाँ रोक देना है गाइस। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से अब विलेज मैन वॉइस जो विलेज मैन जो बोला है उस वॉइस के ऊपर अब उस विलेज मैन का जो क्लिप है गाइस छोटा सा उसको लेके अब इसके ऊपर रखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से विलेज मैन वाला यहाँ से हल्का सा कट कर लेता हूँ गाइस। और इसी तरह से आप लोग एक एक छोटा छोटा क्लिप करके पहले आप लोगों को वॉइस एड करना होगा गाइस, फिर वॉइस के ऊपर आप लोगों को वीडियो क्लिप ऐड करना होगा। तो मेरा लास्ट ये पार्ट था गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेरा ये लास्ट पार्ट है जो कि इसमें रनिंग करते हुए चले जाते हैं गाइज और यहाँ से मेरा ये ख़त्म हो जाता है गाइज। तो इस तरह से आप लोग कार्टून वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये इस तरह हो गया। उसके बाद आप लोगों को इसमें कैसे वॉइस चेंज करना है चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो आप लोगों को इस तरह से पहले आप लोगों को वॉइस ऐड करना है, फिर वॉइस के ऊपर आप लोगों को छोटा छोटा क्लिप ऐड करना है। तो चलिए यहाँ से वॉइस चेंज करने के लिए सिंपली आप लोगों को वॉइस पे क्लिक करना होगा गाइज और यहाँ से वॉइस चेंजर जो लिखा है गाइज इस पर जाके आप लोगों को जो मोनू बोला है गाइज उस पर किड से सेलेक्ट कर देंगे या जो किड लिखा है गाइज उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जो इसका पापा बोले हैं गाइज उसको मैन कर देंगे यानी कि मैन ये मोटा आवाज़ हो जाएगा थोड़ा। और ये फिर से यहाँ से मोनू बोलाएगा गाइज मार्केट में सबसे पहले मोनू बोला, तो फिर से मोनू के ऊपर जाके और वॉइस चेंजर पे क्लिक करके और यहाँ से किड से सेलेक्ट कर लेंगे गाइज। उसके बाद सिंपली फिर से यहाँ से जाना है और इन दोनों को विलेज मैन और इसके पापा को मैन मैन कर देना है यानी कि यहाँ से मैन वाला वॉइस सेलेक्ट कर लेना है गाइज और फिर से यहाँ से मैन पर क्लिक कर देना गाइज और यहाँ से इसका वॉइस चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग वॉइस भी चेंज कर सकते हैं और काइन मास्टर में इस तरह से आप लोग छोटा छोटा क्लिप जोड़ के आप लोग कार्टून वीडियो बना सकते हैं। तो इस वॉइस पहले सुनिए इस वीडियो पापा, को आप लोग। पापा कब चलना है हम लोगों को मार्केट, हमको ढेर सारा मार्केट से रंग लेना है और पिचकारी लेना है, कब चलना है बताइए आप। चलो बेटा चलते हैं अभी मार्केट, वहाँ से जो खरीदना होगा वो खरीद लेना, चलो चलते हैं। तो गाइज कुछ इस तरह से आप लोग काइन मास्टर में वॉइस चेंज कर सकते हैं गाइज। इस वीडियो को फिर से एक्सपोर्ट करने के लिए यानी काइन मास्टर में आप लोगों को फाइनल एडिटिंग हो गया गाइज। उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली यहां से क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही जो मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।